डायरेक्टर ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया भारत के भौगोलिक वैज्ञानिक। देखिए आवर कंट्री यानी हमारा देश इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। आवर कंट्री इंडिया इज ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर, कंट्री माने देश, आवर कंट्री माने हमारा देश, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, हमारा देश भारत एक सुंदर देश है। इट्स लैंड सरफेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसकी भूमि की सतह प्लेस टू प्लेस यानी जगह जगह वेरीज यानी बदलती रहती है, माने इट्स लैंड सरफेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसकी भूमि की सतह जगह जगह बदलती रहती है। पीपुल ऑफ इंडिया बिलीव कल्चर्स रिलीजन्स ETC लिव इन डिफरेंट प्लेस, पीपल ऑफ डिफरेंट माने विभिन्न मान्यताओं संस्कृतियों धर्मों आदि के लोग डिफरेंट प्लेस माने अलग अलग जगहों पर रहते हैं, माने विभिन्न मान्यताओं संस्कृतियों धर्मों आदि के लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं। दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वे अलग अलग तरह का खाना खाते हैं यानी भोजन करते हैं। वियर डिफरेंट क्लॉथ्स, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। एंड और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। दस इस प्रकार इंडिया इज सेड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी करा है दस माने इस प्रकार इंडिया इज सेड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल, माने इस प्रकार भारत को अनेकता में एकता का सर्वोत्तम एग्जाम्पल उदाहरण पाया जा सकता है। एक बार अपना ध्यान दें, आवर कंट्री इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, आवर कंट्री यानी हमारा देश इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, माने हमारा देश भारत एक सुंदर देश है। इट्स लैंड सरफेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसकी भूमि पर माने भूमि की सतह पर प्लेस टू प्लेस यानी जगह जगह इसकी भूमि की सतह जगह जगह बदलती रहती है। पीपुल ऑफ डिफरेंट माने करा है कि विलेज कल्चर रिलीजन्स इट इज लिव इन डिफरेंट प्लेस, विभिन्न मान्यताओं संस्कृतियों धर्मों आज के लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं। दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, दे ईट माने वे खाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड माने अलग अलग तरह का खाना नहीं भोजन, वे अलग अलग तरह के भोजन या खाना खाते हैं। वियर डिफरेंट क्लॉथ्स, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। दस माने इस प्रकार इंडिया इज सेड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी, माने इस प्रकार भारत को अनेकता में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री माने भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश और दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री माने भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश और करा है पॉपुलेशन माने जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, सेकेंड यानी दूसरा। तो भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश और दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इंडिया करा भारत जम्मू 3,214 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू द तमिलनाडु इन द साउथ, माने भारत उत्तर में जम्मू और कश्मीर से दक्षिण में
तमिलनाडु तक लगभग 3,240 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इट डिस्टेंस 2,993 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, माने इसकी चौड़ाई 2,993 के मामले में यह पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2,993 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द डिविजन ऑफ द कंट्री ऑन ए ज्योग्राफिकल बेसिस आर कॉल्ड द ज्योग्राफिकल डिविजन ऑफ कंट्री, माने किसी देश के भौगोलिक, माने किसी देश को भौगोलिक आधार पर करा है, किसी देश के भौगोलिक आधार पर उसके विभाजन को देश का भौगोलिक विभाजन कहा जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिया इज डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग सिक्स, करा है भौगोलिक रूप से भारत को निम्नलिखित छह भागों में यानी छह भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है नॉर्थन माउंटेन्स, सेकेंड है नॉर्थन प्लेन्स, तीसरा है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, चौथा है द इंडियन प्लेटोज, पांचवा है द कोस्टल प्लेन और छठवां है द आइसलैंड, यानी द नॉर्थन माउंटेन यानी उत्तरी पर्वत, द नॉर्थन प्लेन्स उत्तरी मैदान, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट माने भारत महान भारतीय रेगिस्तान, द इंडियन प्लेटोज यानी भारतीय पठार, द कोस्टल प्लेन तटीय मैदान और द आइसलैंड यानी द्वीप समूह। अब देखिए, अब हम इसमें बताया गया कि भौगोलिक रूप से भारत को निम्नलिखित छह भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अब हम इसमें एक एक करके नाउ लेट रीड अबाउट देम वन बाय वन, अब हम एक एक करके इसके बारे में नाउ बने आइए लेट्स रीड अबाउट देम वन बाय वन, आइए अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है द नॉर्थन माउंटेन, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया लाइज द हिमालय रीजन विच इज कॉल्ड द नॉर्थन माउंटेन, उत्तरी पर्वत भारत के उत्तर में हिमालय क्षेत्र में है जिसे उत्तरी पर्वत कहा जाता है। इट इज द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन रेंज, इट इज द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन रेंज, यह दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इट इज ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, इट इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द मेल्टेड स्नो ऑफ द हिमालय, करा है मैनी रिवर्स लाइक माने गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियाँ हिमालय की बर्फ करती हैं। देयर आर फॉरेस्ट एट द स्लोप ऑफ द हिमालय, हिमालय के ढलानों पर वन है। दीज फॉरेस्ट माने ये जंगल गिव देते हैं वुड लकड़ी एंड ये जंगल लकड़ी देते हैं और प्रोवाइड सेफ्टी टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स और कई जंगली जानवरों का आश्रय प्रदान करते हैं, टाइगर एलिफेंट डांसर्स एंड डियर आर फाउंड इन दी फॉरेस्ट, इन जंगलों में बाघ हाथी गैंडा और हिरण पाए जाते हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड द माउंटेन एवरेस्ट इज इन द हिमालय इन नेपाल, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माने विश्व की सबसे ऊंची चोटी द माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालय इन नेपाल, माउंट एवरेस्ट हिमालय और नेपाल में है। इट्स हाइट इज 8,848 मीटर्स, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर,
द नॉर्थन प्लेन यानी उत्तरी मैदान, द नॉर्थन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दीज आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदान। द हिमालय रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स एंड मेक द एरिया फर्टाइल, माने उपजाऊ। हिमालय की नदियाँ मैदानी इलाकों से होकर बहती हैं और इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं। दीज रिवर्स ब्रिंग फर्टाइल सॉयल कार्ड सेल्ट, ये नदियाँ उपजाऊ तथा कथित सेल्ट यानी गार जाती हैं। मैनी क्रॉप्स ग्रो इन द प्लेन, मैनी क्रॉप्स माने कई फसलें जो गई जाती है इन द प्लेन्स यानी मैदानी, माने मैदानी इलाकों में कई फसलें उगती हैं। मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन द प्लेन, भारत की आधी से ज़्यादा आबादी, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन द प्लेन, भारत की आधी से ज़्यादा आबादी मैदानी इलाकों में रहती है। मैनी इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन द नॉर्थन प्लेन, भारत के कई महत्वपूर्ण शहर उत्तरी मैदान में स्थित हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज कवर्ड विथ सैंडी एरिया एंड इट नो एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का उत्तर पश्चिम भाग रेतीले क्षेत्र से आच्छादित माने ढका हुआ है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट यानी थार रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। द थार डेजर्ट इज द सेवंथ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड कवर 1,200,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्पेड बॉथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान, थार रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। आपको समझा गया, थार रेगिस्तान दुनिया का सातवां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और भारत और पाकिस्तान दोनों में फैले, आप देखिए 1,100,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दिस रीजन इज हॉट एंड ड्राई, दिस रीजन माने यह क्षेत्र हॉट यानी गर्म, ड्राई यानी शुष्क, यह क्षेत्र गर्म और शुष्क है। इट रिसीव लिटिल रेनफॉल, यह कम वर्षा होती है। इन दिस डेजर्ट रीजन द डे ऑफ समर आर वेरी हॉट, मरुस्थली प्रदेश में राइट डे ऑफ समर आर वेरी हॉट माने ग्रीष्मकाल में दिन बहुत गर्म, एंड और नाइट्स आर कूल माने ठंड और रातें ठंड होती हैं। इन विंटर सीजन, विंटर सीजन यानी सर्दी के मौसम में डेज आर प्लेसेंट एंड नाइट्स आर यानी तरह सर्दी के मौसम में दिन बहुत सुहावना और रातें बेहद ठंड होती हैं। स्टेमली यानी द इंडियन प्लेटो यानी भारतीय पठार, देखिए हमने बताया आपको इसमें जो है जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, आपको ध्यान दें, अभी आपको मैं बताया कि भारत में भारत की भौगोलिक विभाजन जिसको जो है आपको बताया गया कि भौगोलिक रूप से भारत को निम्नलिखित 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला था नॉर्थन माउंटेन उत्तरी पर्वत, सेकेंड नॉर्थन प्लेन उत्तरी मैदान, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत महान भारतीय रेगिस्तान, द इंडियन प्लेटो भारतीय पठार, और द कास्टर प्लेन तटीय मैदान, और द आई जेंट विष्णु, जिसमें आपको जो है हमने पहला यानी उत्तरी पर्वत, सेकेंड उत्तरी मैदान, थर्ड महान भारतीय रेगिस्तान, और उसके बाद आपका चौथा है द इंडियन प्लेटोज। ध्यान दें, द इंडियन प्लेटोज इज द इम्पॉर्टेंट जगह फीचर ऑफ इंडिया, भारतीय पठार भारत की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन एंड कवर द लार्जेस्ट
एरिया इन इंडिया। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है और भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इट फॉर्म्स ए पेंसुला विच इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है और भारत का सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है। यह एक प्राकृतिक बनाता है, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से। द इंडियन ओशियन इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द पेंसुला। भारतीय समुद्र प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। द इंडियन प्लेटोज इज रिच इन वाटर रिसोर्सेस एंड मिनरल रिसोर्सेस। भारतीय पठार तरह द इंडियन प्लेटो, प्लेटो मीन्स पठार, द इंडियन प्लेटो यानी भारतीय पठार, तरह द इंडियन प्लेटो इज रिच इन वाटर रिसोर्सेस एंड मिनरल रिसोर्स। भारतीय पठार जल संसाधनों और खनिज संसाधनों में समृद्ध है। इट्स डेंस फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी यूजफुल थिंग्स। इसके घने जंगल कई उपयोगी चीज प्रदान करते हैं। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी आर द इम्पोर्टेंस रिवर ऑफ द रीजन। गोदावरी, कृष्णा और महानदी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके बाद है द कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। द कोस्टल प्लेन इज ऑफ इंडिया लाई टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द इंडियन प्लेटोज रीजन। भारतीय पठार क्षेत्र पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इन मैदानों को पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन आर नैरो एंड आर डॉटेड इन सम प्लेस बाय स्मॉल हिल्स। तटीय मैदान सकरे हैं और कुछ स्थानों पर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर बॉर्डर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में व्यापक। मैनी स्ट्रीम एंड रिवर्स फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। इन मैदानों से होकर कई नदियाँ बहती हैं। लास्ट है आपका द आइलैंड यानी द्वीप समूह। इंडिया है टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड दीज आर। भारत में द्वीपों के दो समूह हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और सेकेंड है लक्षद्वीप आइसलैंड यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर सिचुएटेड इन द वे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर टू ग्रुप्स ऑफ 572 स्मॉल हिल्स आइसलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 572 यानी 572 छोटे पहाड़ी में इसके दो समूह हैं। द लक्षद्वीप आइसलैंड। द लक्षद्वीप आइसलैंड आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। द लक्षद्वीप आइसलैंड आर ए ग्रुप ऑफ 27 आइसलैंड। लक्षद्वीप समूह 27 द्वीपों का समूह है। बाथ द ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड आर रिच सोर्स ऑफ टिम्बर। द्वीपों के दोनों समूह लकड़ी, फिश यानी मछली, कार्बन मूंगे और अदर माइनस प्रोडक्ट दे आर आल्सो फेमस टूरिस्ट स्पॉट। द्वीपों के दोनों समूह लकड़ी, मछली, मूंगे और अन्य समुद्री उत्पादों के समृद्ध क्षेत्र हैं। दे आर आल्सो फेमस माने ये पर्यटक स्थल भी है, माने दे आर आल्सो फेमस टूरिस्ट स्पॉट, ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। लेसन को आप ध्यान देंगे, लेसन को अच्छी तरह से पहले एक दो बार पढ़ने का प्रयास करेंगे तब आप इसकी एक्सरसाइज आएंगे तो समझ में आएगा। तो लेसन को आप एक बार दो बार पहले ध्यान से करने का प्रयास कीजिए जिससे आपको
अच्छी तरह से पहले लेसन समझ जा सकते, क्योंकि जब तक आप लेसन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप किसी भी चाहे ठीक का करेक्ट हो चाहे फॉल्स हो या फिर इन द ब्लैंक्स हो या आने जो भी क्वेश्चन आंसर है आप आसानी से नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप लेसन को अच्छी तरह से पढ़ने के प्रयास करेंगे। थैंक यू।